हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में। जैसा आपके सामने है, आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड द्वारा आईपीओ की अनाउंसमेंट की गई है। तो आज हम इस कंपनी की बेसिक डिटेल और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह के रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो पेड प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इस कंपनी में एज ए आईपीओ इन्वेस्ट करते हो या अप्लाई करते हो तो जो भी कंपनी का बिजनेस है या टर्म एंड कंडीशन है उसको आप चेकआउट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हो किसी अनदर कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करना तो किसी भी आप थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट जो रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज से उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा, जो ये कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई 2011 में, जो कि मैन्युफैक्चर करती है रोल स्टील प्रोडक्ट का। जी हाँ, कामधेनु ब्रांड के तहत इनका जो प्रोडक्ट है वो इशू होता है वो टीएमटी बार के नाम से। और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें वो लगभग 150 के करीब है अप्रैल 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग। और जो मैन्युफैक्चर यूनिट सिचुएटेड है वो गुजरात में है, राजकोट गुजरात में सिचुएटेड है। और जो इनकी कैपेसिटी है वो है 1 लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा। जी हाँ, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो डिटेल है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट और वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं आईपीओ पर। आईपीओ की प्राइस रेंज फिक्स की है 69 रुपये से लेकर 62 रुपये तक। इन्वेस्टमेंट बेस्ड है क्वांटिटी पे, मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 2000, उस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 1,18,000 और मैक्सिमम 1,24,000। कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो? 9 सितंबर से 11 सितंबर तक। टाइमिंग सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। अगर शेयर आपको मिलते हैं तो उसका अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 12 सितंबर तक। ना मिलने पर रिफंड होगा 13 सितंबर तक। शेयर मिलने पर डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 13 सितंबर तक और उनकी लिस्टिंग होगी 16 सितंबर तक। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल। और ये प्रोस्पेक्टस है, जब भी आप किसी कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करो तो प्रोस्पेक्टस को जरूर रीड आउट करो, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल थिंग्स आपको मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं। उसके बाद ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें कंपनी के बारे में जो भी इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल है, क्लाइंट है, इन्वेस्टर है और बाकी डिटेल कंपनी के बारे में आप ले सकते हैं। जी तो आज के लिए इतना ही था। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।